The next variety is chameli, also called Jasminum grandiflorum. It's an ornamental plant. ये बहुत ही ज़्यादा strong smelling flower है. हर किसी को इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है. जैस्मिन के बहुत से varieties होते हैं. काफ़ी strong और pungent होता है. लेकिन हाँ, इसे ज़मीन पे लगाइए, pot में लगाएंगे तो ये नहीं बढ़ेगा अच्छे से, ज़्यादा फूल नहीं देगा. मैंने इसे pot पे उगाने की बहुत बार कोशिश की है, but फिर finally मैंने जब उसे ज़मीन पे लगाया फिर इसकी तो मतलब ग्रोथ रुकती ही नहीं. इसे डायरेक्ट बहुत तेज धूप नहीं पसंद है, उसमें ये जल जाते हैं इसके पत्ते. तो इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए और उतनी काफ़ी है. फ्लावरिंग बिगिंस इन अर्ली फेब एंड गोज ऑन ईजिली टिल सेप्टेम्बर अक्टूबर. रोज, गुलाब, ये फ्लावर ऑफ कोर्स कॉमन है, सब जानते हैं इसके बारे में. और ये जो पौधे आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं, ये मैं स्टेम कटिंग कर करके फैलाती रहती हूँ. तो 2 से 3, 3 से 4 करते 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 आज शायद मेरे पास 10-12 प्लांट्स हैं. तो जो ये बड़े पॉट्स आप देख रहे हैं, ये सब 8-8, 9-9 साल पुराने हैं. अभी इतनी गर्मियाँ पड़ी हैं जहाँ मैं हूँ कि जो फ्लावर्स का साइज़ एक सनफ्लावर के साइज़ जैसा होता था, वो अभी बिल्कुल ही छोटे बटन रोज़ेस जैसे आ रहे हैं. इतनी गर्मी है कि पत्ते, रोज़ प्लांट के पत्ते जल जा रहे हैं. पिंक वाला जो फ्लावर है आप देख रहे हैं, इट्स अ हाइब्रिड फ्लावर. ये इतना बड़ा साइज़ में आता है, बट राइट नाउ ये बहुत ही छोटा आया है. और मैंने अपने पेड़ों को थोड़ा बचाने के लिए अब धीरे धीरे सबको थोड़ा शेड वाला एरिया में शिफ्ट कर दिया है. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट फ्लावर इज फ्रेंजीपनी एंड इट्स कॉल्ड चंपा इन हिंदी, काथ चंपा इन बंगाली, चंपो इन गुजराती. And the official name is Plumeria yellow. This has a very sweet smell. The oil which is extracted from this flower is very very expensive. It is used in perfume industry. और ये बहुत आसानी से लग जाता है. आप इसका, आपको रोड साइड इसके हर जगह पेड़ दिख जाएंगे. आप बस इसको लाइए और एक स्टेम कट करके बड़ा सा ब्रांच और ज़मीन पे गाड़ दीजिए. उसके बाद भूल जाइए, रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, खाद दे देना बीच में महीने में एक बार. ये फटाफट बड़े आराम से लग जाता है. इसमें कोई मेहनत और केयर की ज़रूरत नहीं. गमले में और ज़मीन में दोनों में बहुत अच्छी तरीके से उगता है और फूल देता है. वेरी फास्ट ग्रोइंग ट्रॉपिकल ट्री दैट प्रोड्यूसेस मासेस ऑफ फ्रेग्रेंट ब्लूम्स बिटवीन मार्च एंड अक्टूबर. तो मार्च और अक्टूबर के बीच में ये सबसे ज़्यादा फूल देता है. इसके जो फ्लावर्स है, जैसे जैसे शाम होती है उसकी खुशबू काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और अच्छी महक आती है. इसको श्रीलंका में टेम्पल ट्री बोलते हैं, कैंटोनीज में इसे गाई दानफा एग योक प्लांट भी बोलते हैं. और इसे माला, गार्लैंड वगैरह बनाने के लिए भी काफ़ी यूज़ किया जाता है. और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब. थैंक यू.